हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज क्या है, 10 तारीख है, ठीक है। तो आज मेरी जो है अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, वो अपना ईए टेस्ट के लिए फॉर फ्रेंच फॉर रीजन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद जाऊंगा सीधा वहीं, ठीक है, आर्मी कैंप में। तो उसके बाद देखते हैं आज क्या रहेगा, टेस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मिलते हैं अब सीधा वहीं पे, बाकी रास्ते में आपको सफ़र दिखाऊंगा ही, बाकी अब सीधा हॉस्पिटल में ही मिलेंगे सबसे पहले, फिर देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं होएगा, क्योंकि टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि मुझे पहले खुद नहीं पता था कि मेरे कान में क्या दिक्कत है क्या नहीं, मुझे अभी भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं होता। तो बाकी अब तो वहीं जाके पता चलेगा, जब उनको अगर उन्होंने बताया कि कुछ कान में कोई दिक्कत है तो कुछ ना कुछ तो कैब तो मिल ही जाए। क्योंकि आजकल क्या है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मतलब कोई ऐसी वैसी नॉर्मल सी भी कोई हल्की फुल्की बीमारी ना हो। बाकी बीमारी तो हम इसको कह नहीं सकते, खुद नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, क्या दिक्कत है। अभी तो जब पता चलेगा तो आप सभी को भी बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम निकली है, ये है, ठीक है। अब वैसे मामूली सी प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं पता क्या हो सकती है। चलो तो अब मिलते हैं आगे चल कर ही, ठीक है, अपना रास्ते में भी मिल लेंगे, ठीक है। सफ़र दिखाऊंगा आपको, बाकी फिर उसके बाद मिलते हैं सीधा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के बाद वहाँ से फ्री होके टेस्ट वगैरह करवा के फिर सीधा चलेंगे फ्रेंच फॉर रिलीजन के गेट पे, मिलते हैं फिर वहीं पे। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपने स्टेशन पे डरामसी के, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेन आने वाली है 3 मिनट में, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं अब अपने सीधा छत चले, उसके बाद वहाँ से हमने लेनी है मेट्रो, तो उसके बाद आ गया है बस, ठीक है। तो सफ़र दिखाता रहूँगा मैं आपको, तो ठीक है बने रहना वीडियो में, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। मिलते हैं सीधा और आगे चल के। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन में अपना छतले पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से लूँगा मेट्रो 4, फिर मुझे उतरना है माउंट परनेसोल, ठीक है, माउंटी परनेसोल ऐसा नाम है, ठीक है। उसके फिर वहाँ से लेनी है मैंने मेट्रो 12, फिर मैंने उतरना है मैरी दिल्ली सी, ठीक है। तो उसके बाद लेनी है मैंने बस, तो मिलते हैं अब सीधा वहीं पे, ठीक है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने अगले स्टेशन पे, ठीक है। यहाँ से मैंने लेनी है मेट्रो 12, तो ये मेट्रो 6 में आया हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से लूँगा मेट्रो 12, तो उसके बाद अब मिलते हैं सीधा मैरी दिल्ली सी, ठीक है। मैं मेट्रो 6 में नहीं, मैं मेट्रो 4 में आया हूँ, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गई थी, नॉट वरी, सॉरी फॉर दैट। एंड उसके बाद मैं मिलता हूँ सीधा वहीं पे। तो मैं जा रहा हूँ बस में, ठीक है। यहाँ से है 5 स्टॉप, उसके बाद मिलते हैं आपकी बस में, मतलब वहीं पहुँच गई।
तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम हॉस्पिटल में, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अंदर, ठीक है, अपना जो है टेस्ट वगैरह के लिए। बाकी ये सामने हॉस्पिटल, तो मिलते हैं सीधा अपना टेस्ट करने के बाद ही। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, देखते हैं टेस्ट में क्या आता है, क्या रिपोर्ट आती है क्या नहीं। तो मिलते हैं बाद में। तो गाइज वहाँ अंदर टेस्ट वगैरह करवा के मैं आ चुका हूँ बाहर। टेस्ट में उन्होंने नॉट गुड कहा है, ठीक है, ओनली सिंपल सा मतलब मुंह से बना के कहा कि गुड, बट नॉट गुड कहा है उन्होंने। चलो फिलहाल अब देखते हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं सीधा उनके गेट पे, ठीक है, देखते हैं वहाँ जाके। वैसे उम्मीद तो मुझे भी नहीं लग रही थी क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, अगर पहले थोड़ी बहुत ही उम्मीद होती तो पहले ही रख लेते। चलो बाकी वहाँ तो जाके आएंगे, एक बार चेक तो करके आएंगे क्या कहते हैं वो क्या नहीं। तो चलो मिलते हैं अब सीधा वहीं पे। बाकी गाइज ये है यहाँ का हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ से जाना है एंट्री, और वो है सामने इनका गेट जहाँ से मैं एंटर हुआ था, ठीक है। तो अब मैं वहीं जा रहा हूँ नीचे की तरफ ही, ये फ्लाइट उसके साइड में सीढ़ियाँ, तो जाता हूँ मैं, मिलते हैं सीधा वहीं पर ही। तो भाई मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल के बाहर, ठीक है। अब मुझे जाना है यहाँ से बस पकड़ के पहले, तो ठीक है, अब यहाँ से पहले बस पकड़नी है। बस का जो गेट है वो मतलब जो बस जहाँ बस रुकेगी वो बिल्कुल मेरे बैक साइड में ही है इस टाइम, ठीक है, यहाँ बस स्टॉप है। तो ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ से, वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो निकलते हैं आप सीधा रीजनर की एंट्री की तरफ, ठीक है, तो मिलते हैं वहीं पे अब। तो गाइस मैं बैठा हूँ इस टाइम बस स्टॉप पे, और यहाँ सामने ही है, ठीक है, हॉस्पिटल। अब मैं यहाँ से जाऊँगा अपना रीजनल एंट्रेंस के गेट पे, ठीक है। तो यहाँ से बस आएगी, उसके बाद मैंने जाना आगे मेट्रो में, फिर उसके बाद ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से बस है पहले 12 मिनट पहले बस आएगी, उसके बाद फिर आगे बस, फिर ट्रेन, ऐसे जाना है, ठीक है। तो अब सीधा मिल लूँगा वहीं पे ही, ठीक है, कि ये यहाँ पे इनका मेन गेट। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ अपने वालदेव फोंतने, ठीक है, ये स्टॉप का नाम है। अब यहाँ से मैंने जाना है बस में। बाकी आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो मेरा वहाँ टेस्ट हुआ है ना, उन्होंने कुछ नहीं चेक किया कुछ भी, सिर्फ कानों पे हेडफोन लगा के उन्होंने साउंड वगैरह सुनवाई है, ठीक है, कि साउंड आ रही है नहीं आ रही। बाकी कान में कुछ मशीन सी लगा के वो चेक किया उन्होंने, और कुछ नहीं चेक किया, ठीक है। वही सेम प्रोसेस मेरा वहाँ भी हुआ था, ठीक है ना। तो उन्होंने भी यही चीज़, यहाँ भी उन्होंने ये चीज़ चेक की, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। और 40 यूरो, 40.81 यूरो इन्होंने मेरे से लिए हैं, ठीक है। पता नहीं वो किस लिए होंगे, एडमिशन कह रहे स्टार्टिंग जब मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ पे, एडमिट के लिए वो करती हैं ना, तो उस टाइम उन्होंने लिए थे, बट उसके बाद इन्होंने किया कुछ नहीं। पूरे हद मार के पूरे 10 मिनट लगाए इन्होंने, ठीक है, मशीन से वो चेक किया, उसके वो साउंड सुनवाई, उसको कुछ नहीं किया। बट चलो फिर भी एक बार मुझे वहाँ जाके अपना चेक दिखा के तो आना है कि उन्होंने क्या चेक किया क्या नहीं, उनको तो पता चले कि वही सेम प्रोसेस उन्होंने ही किया था, वही उन्होंने हॉस्पिटल में भी किया है। तो चलो मिलते हैं वहीं पे, देखते हैं क्या रहेगा। बाकी आप लोगों की सपोर्ट, दुआएं, ठीक है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ, थोड़ा पैदल पैदल का रास्ता है 10 मिनट का, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। बाकी आसपास की लोकेशन देख लो, इतना आप बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट भी हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से मेरे को लगेंगे पूरे 10 मिनट का रास्ता ऑनलाइन जो दिखा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सीधा वहीं पे ही, क्योंकि धूप बहुत गंदी लग रही है, ठीक है, बहुत गंदा मौसम हो रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत गर्मी लग बहुत गंदी लग रही है धूप भी।
तो मिलते हैं आप उसके पास ही, तो वहीं पे ही। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ, ठीक है, आज फिर अपना इनके फ्रेंच फॉरेन लीजन के गेट पे, ठीक है, इनके एंट्रेंस पे, जो पीछे ये गेट जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये वहीं का है। और अब जा रहा हूँ मैं सीधा अंदर ही, तो देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं, फिर उसके बाद मिलते हैं सीधा। अगर सेक्शन हो गया तो 4 महीने बाद, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद ही, तो देखते हैं जैसा भी होएगा, ठीक है। तो बाकी मैं पास जाके वीडियो जाके ना बना सकता, क्योंकि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, कि फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर मिलते हैं वहीं पे। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि जिस कारण से उन्होंने मुझे पहले पहले मतलब बार भेजा था टेस्ट के लिए, दोबारा फिर वही कारण इन्होंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलो जैसा भी होगा, बाकी जो कोई भाई भी, जो कोई मेरे भाई बंधु, ठीक है, दोस्त मेरे, जो भी मित्र प्यारे, अपने इस यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स, जो कोई भी फ्रेंच फॉरेन लीजन के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, ठीक है, तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे कमेंट करो, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाकी मेरे तो सेक्शन नहीं हुआ, तो जो भी मेरी कमी पेशी रही है वो मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि किस कारण से, बाकी किसी को कुछ और नॉलेज लेनी हो तो ठीक है, कमेंट जरूर करना वीडियो में, ठीक है। बाकी कुछ मेरे भाई बंधु अभी भी मुझसे बात करते हैं, ठीक है, अपने इंडिया से, राजस्थान के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, ठीक है, उनको वो मतलब उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरी वीडियो को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, और मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं वो फ्रेंच फॉरेन लीजन के बारे में, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ, बाकी आप सभी लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, ठीक है, आप सभी ने जो दुआएं की थी, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस, ठीक है। बट मेरा भी किस्मत लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है, कि किसी भी कारण से, ठीक है, क्या पता क्या लिखा आगे ज़िंदगी में, तो ठीक है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी, आज नहीं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद दोबारा फिर आएंगे, ठीक है, फिर देखते हैं क्या रहेगा। इतना अपना कानों का जो भी अंदर दिक्कत है वो सब सही करवा लेते हैं, जो भी होएगा ट्रीटमेंट वगैरह अगर इसको होगा तो ज़रूर करवाएंगे। तो फिलहाल मिलते हैं आप सीधा घर के पास ही, ठीक है। तो तो गाइज मैं अपना पहुंच चुका हूँ अपने घर के पास, ठीक है, बस पैदल पैदल ही जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बाकी आज जो भी हुआ, चलो किसी की क्या गलती कहें, जो भी हो सही हुआ, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं, दोबारा कब ट्राई मारनी है, 1 महीने में 2 महीने में, जब भी अपना लगे कि सही है, कहाँ का ट्रीटमेंट करवा के जो भी होगा, ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं फिर, ठीक है। तो
फिलहाल आज के लिए वीडियो यही समाप्त होती है, ख़त्म होती है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो को लेकर, ठीक है। ये नहीं कि अपनी वीडियो नहीं आएंगी, आती रहेंगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जानकारी लेकर ही आएंगी, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो पर नए हैं, ठीक है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो बाकी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी दुआएं की हैं मेरे लिए, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ और नई वीडियोस, ठीक है, इंटरेस्टिंग लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में।